8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. एक्साइटमेंट का रीज़न है ये. हाँ, 1 मिलियन से, अरे एक कम हो गया भाई, एक कम हो गया. एक अभी ऊपर, अरे एक बढ़ गया. देखो, एक भाई कम हुआ तो भगवान ने एक और दे दिया. तो कुछ ऐसा सेटअप किया है मैंने. अब देखो, घर पर तो सारे लोग सो रहे हैं. 999 77. मेरे सीरियसली बहुत सारे प्लान्स थे ना कि ये जो नंबर है ना, 1 मिलियन का मैजिकल नंबर, वो हम अचीव करें अपने ट्रिप पे. बट अपने ट्रिप को जल्दी ख़त्म करना पड़ा, बिकॉज़ यार एक तो पहले लाइट जलाए, यार एक तो लाइट कम है. हाँ, अपने ट्रिप को जल्दी ख़त्म करना पड़ा बिकॉज़ यहाँ पे हमारा काम बहुत सारा पेंडिंग था. अब सिचुएशन ऐसी है ना गुड़गांव में, कि गुड़गांव में रात के टाइम पे अभी निकलना सही नहीं है, और आज इसीलिए मैं नोएडा भी नहीं जा पाया. अब रात में निकल नहीं सकते हैं. रात में अभी फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट भाई कितना टाइम हो रहा है पता ही नहीं चल रहा. ओ भाई, घड़ी कहाँ है? ओके, तो ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं रात के, देख लो 1:07. तो अभी किसी को जगा भी नहीं सकता, ना कहीं जा सकता, बस वेट कर रहा हूँ. 1 बजे YouTube पे ना इंडिया की जनता, मतलब मेरी जो प्राइमरली जो ऑडियंस है ना, वो इंडिया की ऑडियंस है. तो इंडिया में ना लोग सो रहे होते हैं. और ये देखो, ये है अपना लाइफ टाइम ग्राफ. ये नॉर्मली जब से हमने चैनल स्टार्ट किया, 23 सितंबर 2020 को ये चैनल क्रिएट हुआ था, और अभी तक 1 अगस्त का दिखा रहा है. मतलब एक, आई डोंट नो, आज वैसे एक और बढ़ गया. तो अभी भी कुछ लोग जगह उम्मीद कायम है. तो यहाँ पर अपना 1 मिलियन का ग्राफ पहुँचने वाला है. और जब 23 सितंबर को चैनल क्रिएट किया था, पहला वीडियो मैंने 29 सितंबर 2020 में डाला था. एंड सितंबर होने से पहले, मतलब ऑलमोस्ट तीन साल लगे मुझे. अभी अगस्त चल रहा है, वैसे तो 2 महीने पहले, मतलब 2 साल 10 महीने कह लो, 2 साल 10 महीने लगे मुझे इस नंबर. एक कम हो गया यार, क्यों भाई. 8, 7, 6, 5, 4, 3. किस्मत इतनी खराब है ना, ये देख रहे हो, वाईफाई चला गया यार, डिस्कनेक्ट हो गया. भाई क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है, भगवान क्या ही परीक्षा ले रहे हैं यार. देखो, नेटवर्क कनेक्शन वाज इंटरप्टेड. भाई सीरियसली यार, बहुत बुरा लग रहा है वाईफाई के लिए, अपने लिए. वाईफाई के लिए क्या ही लगेगा. 2, 1. ओ भाई, फाइनली. एंड जी, फाइनली 1 मिलियन. भाई मैंने वो ट्रिपल नाइन वाला जो फिगर था ना, उससे जो 1 मिलियन में चेंज होता है ना, वो मिस कर दिया यार. सीरियसली वो मिस कर दिया भाई मैंने. थैंक यू दिल से, सच्ची दिल से. बिना आप लोगों के पॉसिबल नहीं था. धीरे बात कर रहा हूँ बिकॉज बाकी लोग सो रहे हैं ना. मैं तो कल रात में सो गया था भाई, अभी उठ रहा हूँ. हाँ, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ. हाँ, जबकि मैं सो रहा था. हाँ, फिर भी इतनी गहरी नींद में सोया था ना, इसका पता ही नहीं चला. केक आया 1 मिलियन वाला. ये राजी, हैप्पी 1 मिलियन. ETU 2.0 भूल गए. ETU 2.0 है ये. चलो कोई नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, अभी नहाते हैं. ये मैं समझ रहा हूँ, तू कहाँ है, आई नहीं मेरे पास. ये देख रहे, अच्छा मैंने AC बंद कर दिया. स्कूबी, ओए क्या
आप चाहे गुड़गांव में रहो या मुंबई में रहो या कहीं भी रहो यार, आजकल इतना ज्यादा हीट और पॉल्यूशन है ना, स्किन पूरी ऑयली और डल हो जाती है। अभी भी देखो इस पे पूरा ऑयल ऑयल रहता है। एनजी, इसमें अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो स्किन को डिटॉक्सिफाई करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खुद के लिए पैम्परिंग हम चाहते हैं ना, वैसे स्किन को भी पैम्परिंग देना जरूरी है। और उसके लिए मैं यूज करता हूँ मामा अर्थ का चारकोल फेस पैक। अब क्योंकि ये मेड से सर्टिफाइड है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, कोई भी सल्फेट पैराबीन्स एडेड नहीं है, तो आपके स्किन के लिए सेफ है। प्लस ये सारे के सारे स्किन टाइप को सूट करता है। दिस हैज गॉट द गुडनेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है। प्लस दिस हैज गॉट ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि आपके स्किन में एक अच्छा ग्लो लाने में हेल्प करता है। अब इसको लगाना भी उतना ही सिंपल है, बस आपको करना ये अपने फेस को अच्छी तरीके से फेस वॉश से वॉश करना है, इसका एक लेयर अप्लाई करना है, 15 मिनट तक रहना है और फिर ल्यूकवार्म वाटर से वॉश ऑफ या रिंस कर देना है। मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैं हर बार बताता हूं कि एवरी टाइम यू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप, योर ऑर्डर गेट लिंक्स टू ए ट्री एंड बाय ईयर 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। वैसे तो ये प्रोडक्ट आपको Amazon, Nike, Flipkart हर जगह पे अवेलेबल है, बट आप मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से कुछ परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड Vikash2023 यूज करते हो, You get additional 20% off. सारी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट। प्लस ये प्रोडक्ट आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो अपने स्किन का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कितनी धूप है यार आज, हाँ आज भी भैया हैं गाड़ी लेके, लेकिन आज भी हम ये गाड़ी नहीं निकालेंगे। आज हम जा रहे हैं नोएडा, हाँ सौरभ भाई के पास, और उस गाड़ी में हम फाइनली आज बम्पर चेंज कर देंगे। बहुत टाइम से प्लान था बम्पर पेंट होना था, क्योंकि पूरी गाड़ी ना ग्लॉसी है यार, और वो मेटल वाला बम्पर ना उस पर सूट नहीं कर रहा है। देखो पीछे वाला बम्पर भी, हाँ जो ये बम्पर है कितना सही लग रहा है ग्लॉस में, एग्जैक्टली वही बम्पर फिट करवाएंगे, मतलब दूसरा बम्पर। अभी दिखाते हैं आपको, अभी तो फिलहाल पापा के साथ सबसे पहले जाना है मेरे को स्टूडियो, और स्टूडियो जाके थोड़ा सा काम है वो करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। चलो भाई यहाँ से निकलते सीधे जाते। अरे यार एक तो भैया सब शीशा साफ करते ना, शीशा टेढ़ा कर देते, दबा दबा के करते लगता है। हर बार मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, शीशा अरेंज करता रहता हूँ, मतलब एडजस्ट करता है, अरेंज क्या करना है, एडजस्ट करता रहता हूँ। यहाँ से जा रहे जी अपन सीधे डेविल्स गैराज, और वहाँ पे गाड़ी का बम्पर आज चेंज करा लेते हैं। हाँ भाई कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, ट्रैफिक जरूर कम हो गया है। हाँ सीरियसली ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया, अदरवाइज तो इतने दूर पहुँचने में ना अपने को बहुत टाइम लगता। एयरपोर्ट पहुँच गया फटाफट फटाफट, फ्लाइट उठती हुई, हाँ फ्लाइट से कहीं जाने का मन कर रहा है यार। अज्जू भाई एक बार गोवा जाए ना, तो मैं गोवा जाऊंगा, हाँ फिर वहां से मुंबई जाएंगे। कभी कभी कोई चीज बोलो और आपकी खुद की नजर लग जाती है। हाँ अभी कह रहा था ना कि भाई ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक नहीं मिला। भगवान जी ने बोला अच्छा नहीं मिला, दुखी हो, लो ट्रैफिक, लो दबा के लो। पहुंच गए डेविल्स गैराज, एक गाड़ी लगी हुई थी धीरज भाई की, तो वो अभी निकल रही है, फिर अपन गाड़ी तो अंदर लगाएंगे क्योंकि अपना तो बम्पर पूरा खुला है ना, तो उसमें टाइम लगेगा और उसको अंदर लगा के ही होगा, तो वो गाड़ी निकलती है अपन अंदर लगाते हैं। ट्रैफिक काफी ज्यादा है नोएडा में। अच्छा जो सुबह से कह रहे थे ना ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, अब ये बात बोलूंगा ही नहीं। चलो भैया सीधे अंदर घुसा दे गाड़ी, साथ में ना फॉर्च्यूनर का मॉडिफिकेशन हो रहा है तगड़ा वाला। तगड़ा वाला क्या हो रहा है पता है, इसका पूरा किट चेंज हो रहा है, ओल्ड फॉर्च्यूनर से न्यू फॉर्च्यूनर। भाई गाड़ी आ गई अपनी अंदर, अब इसका बम्पर देख लो आप, हाँ ये जो बम्पर है ना ये चेंज हो जाएगा, तो अब इसमें बेसिकली जितने लाइट्स है ना ये लाइट्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो नीचे के प्रोजेक्टर है ना वो अपने सेम रहेंगे। अब एक प्रोजेक्टर का तार है ना वो अपने को कवल भैया के पास जाके उसको सही से रिमूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चार लगे ना, तो दो ही लगेंगे और ऊपर वाला ये जो है ना ये भी नहीं लगेगा। ये रहा अपना नया बम्पर, हाँ जो इसमें फाइनली फिट होगा, ये अपना नया बम्पर है। एक बार दिखाऊं लुक कैसा है, ये पहले ना ये बम्पर ना दो मल्टी कलर में आता था, बट इसको ना फिर हमने ना पूरा ब्लैक, देख रहे हो कितना मस्त सा ब्लैक पेंट हुआ है, ताकि ना ये पूरे गाड़ी के थीम के साथ जाए, अदरवाइज तो ना फिर देखो ये बम्पर का कलर और पूरी गाड़ी का बॉडी का कलर एकदम डिफरेंट हो जाता है। अब ये शाइनी शाइनी इसमें फिट हो जाएगा, तो ऐसे ना थार का बम्पर खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये वाले बम्पर में ना नीचे अपना ना पूरा अंडर बॉडी है, तो ये अंडर बॉडी जब तक निकलता नहीं है ना तब तक ना बम्पर खोल सकते हो ना ग्रिल खोल सकते हो,
तो इस मिला जुला के ना इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, बट इससे ना अंडर बॉडी इसका जो रेडिएटर है ना वो काफ़ी नीचे है यार। अब वो ना अगर ऑफ रोड करो ना तो बिना इसके तो आप इसको मतलब अगर गलती से आपका नीचे टच हुआ तो समझो रेडिएटर फूटा, 101% बात है रेडिएटर फूट जाएगा, और एक बार रेडिएटर फूटा तो समझो गाड़ी वहीं पे खड़ी। बाकी अभी खुल रहा है धीरे धीरे, फिर लगेगा बम्पर, फिर लगेगा सारा अरेंजमेंट ताम झाम। भाई लास्ट केक काटा था हमने अपने थार के डिलीवरी पे। हाँ थार में तो काम चलता ही रहता है। कवल भैया वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कवल भैया को बुला लिया ना, कवल भैया देखो ये लग नहीं रहा है ठीक है, तो भैया ने कहा कि भाई इसमें सारा चेंज होगा, ये इस बम्पर के हिसाब से ये वाला बम्पर ही चेंज हो रहा है, तो उस बम्पर का फिटिंग विटिंग सब अलग है, बट लगेगा अपने यही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है फ्रंट में भी, मतलब जो बम्पर हम लोग लगा रहे हैं और जो हम करने बट लाइट इतनी रहेगी ना अपने पास, इससे ज़्यादा कर देंगे, इससे ज़्यादा कर देंगे भाई, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अगले वीक जाएंगे अपन ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम वहाँ पे जाके, और इसका ना वो वाला सेटिंग कर देना आवाज़ वगैरह वाला ना, तो सब कुछ करने पड़ेगा, खुला था ना अंदर सब कुछ खुल चुका। हाँ सब पूरा गाड़ी खुला था, पूरा डिसमेंटल हुआ था गाड़ी, एक एक जगह। 1,000,000 जिंदाबाद भाई, थैंक यू। हाँ सॉरी एडिटिंग में पहले फूक दिखा देंगे ना भाई, ये चीज केक, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू। कैसा है? कातल जहर नहीं केक, मतलब वो वाला जहर नहीं, अच्छा हो सकता है कि मीठा है ज्यादा ये भाई, बस थोड़ा सा। हां थोड़ा थोड़ा करके पूरा खावे। थैंक यू कवल भैया, हमें कवल भैया से मुझे तो बहुत अच्छा हेल्प ली कि कवल भैया प्लीज हमें थोड़ा तू ना अभी मुझे मत देना, मैं खिलाऊंगा सबको। अब आ रही है ना तगड़ी लुक, हाँ सारा ग्लॉसी और ये बम्पर भी नया, एकदम नई लुक हो गई। फ्रंट का फेसिया चेंज हो जाता है ना बहुत सही लगता है, और पूरा ब्लैक है ना ज़बरदस्त। इतनी देर से ना हम बात कर रहे थे अंदर सौरभ भाई से, हम क्या प्लान कर रहे हैं, ये देख रहे हो हालात देख रहे हो। हाँ ड्रिफ्ट मार के है ना, बाल पे दिख रहा है ना ये, हाँ पूरा दिख रहा है, सीमेंटी सीमेंट लगा पड़ा है। मैं कह रहा हूँ बाल झाड़ के एक बिल्डिंग बना दोगे, इतना सीमेंट है। और भाई ये गाड़ी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये बहुत देर से आप इंडिकेटर चलाना ना एक बार इस साइड वाला, या अब लग रही है ना झकास, एक मिनट रुक जाओ, या मस्त ज़बरदस्त। भाई ये गाड़ी ना एक्चुअली पुरानी वाली ना फॉर्चुनर है, बट अब ये ना लेजेंडर में अपग्रेड हो गए, मतलब इसमें लेजेंडर वाले बम्पर्स लगे हैं। हाँ कमेंट करके बताओ कि मैं मेरी मेरे जो बम्पर है ना वो अभी भी फॉर्चुनर का है, बट मेरी हेडलाइट लेजेंडर वाली है, और ये सारी की सारी कपलर टू कपलर फिनिशिंग क्या ज़बरदस्त। अभी इसमें ना पेंट वर्क, क्योंकि ना बॉडी कलर से मैच करके ना पेंट वर्क होता है, अभी ये पेंट हो गया, अभी इसका रबिंग वगैरह बचा है, पूरी गाड़ी ऐसी ग्लॉस हो जाएगी, फिर पीपीएफ होगा इस पर, ज़बरदस्त लग रही है यार। अब पीछे वाला बम्पर लग रहा है, ये पीछे वाला पूरा बॉडी किट, तो ये सारे जितने भी बॉडी किट वाली चीज़ें हैं ना ये अपने स्टोर पर भी होगा, तो बहुत सारे मतलब नॉट जस्ट फॉर्चुनर टू लेजेंडर, बहुत सारे बॉडी किट वाला काम ना अपने स्टोर पर भी होगा। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त लग रही है ना, अभी ये पूरी रेडी नहीं है, तो एक बार पूरी रेडी हो जाएगी ना भाई मस्त हो जाएगा मस्त। आज फाइनली इसका ग्रिल का कनेक्शन भी हो गया, लास्ट टाइम ग्रिल का कनेक्शन छूटा हुआ था, तो आज ग्रिल का कनेक्शन भी हमने करवा ही दिया। अब लग रही है ना झन्नाटेदार, एकदम मस्त बम्पर ग्रिल सब लग गया, अब बस फॉग लैम्प लगना बाकी है, उसके लिए अगले वीक में जाऊँगा कवल भैया के पास। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लोरिंग के ऊपर लगेगी वो काम हो जाएगा भाई। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:42, देखो सारी की सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं 8:42, मतलब मैं दोपहर के टाइम पे आया था, शाम कैसे हुई ना भाई पता ही नहीं चला, बहुत सारा डिस्कशन था, सारी चीज़ें कर ली, अब यहाँ से बैठ के अपन निकलेंगे, अपने को ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। सौरभ भाई कल मिल रहे हैं ना अपन, फिर एक बार ना ग्रिल ऑन कर दो, बहुत सारे लोग कह रहे थे हमने ग्रिल ऑन नहीं, मतलब अरे कनेक्शन छोड़ा हुआ था ना। हाँ नहीं नहीं ऑन करता हूँ ना, इसकी चाबी कहाँ है, अच्छा इसी में। यहाँ से अब निकलते हैं, यहाँ से लग जाएंगे अपने को ऑलमोस्ट 1.5 घंटे घर पहुँचने में। वैसे तो अभी इसमें फॉग लैम्प नहीं है तो मेरे को लाइट थोड़ी सी कम लग रही है, बट ठीक है यार अभी लगवा लेंगे ना, इसका पूरा नया सेटअप बनेगा, मतलब लाइटिंग का ना इस गाड़ी का पूरा नया सेटअप बनेगा। अब इतनी सारी चीज़ें चेंज की हैं तो थोड़ा सा लाइटिंग भी चेंज करेंगे ही, डेफिनेटली एक अलग सा लुक एक अलग सा फील आएगा। बाकी यहाँ वाला काम करके सारा चीज़ निपटा के फिर अपने को कल भी मिलना है, क्योंकि जब तक अपना स्टोर स्टार्ट नहीं होगा ना तब तक ये ना ब्रेनस्टॉर्मिंग और चीज़ें एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कैसे करना है क्यों करना है कैब करना है वो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी होपफुली ट्रैफिक ना मिले, दिन के टाइम पे तो मैं कह रहा था कि भाई ट्रैफिक नहीं है। अरे यार किसका मैसेज आ रहा है, इतना मैसेज आदमी क्या करे, पढ़े के चलाए। निसान पेट्रोल भाई ये गाड़ी ना बहुत कम दिखती है, बहुत यूनिक और बहुत कम दिखती है गाड़ी भाई, क्या जबरदस्त लग रही है ना।
एलसी और ये बहुत सिमिलर दिखती है, बहुत सिमिलर। दुबई में जो है ना, दुबई जो जाते हैं उनको तो पता होगा भाई। चलो कोई नहीं, तो कल अपना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो सारे भाइयों से बात कर रहे थे कि भाई कहीं पे कोई डिस्काउंट वगैरह, कहीं पे कोई ऑफर, किसी का जान पहचान अगर कोई है तो वो तो कल के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बट ये मेरे लाइफ का ना इस चीज़ के लिए एक बहुत सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं, एक दो लोगों से और बात करना है, वो ग्रेजुअली रास्ते में ही कर लेंगे। चलो गाइस, करते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। ओह क्या दिन था यार, मतलब कल रात से आज का दिन ना याद रहेगा कि जो 1 मिलियन हुआ ना, तो अपना कुछ बहुत सारा अच्छा चीज़ हो गया। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। मतलब कभी कभी कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जो बिल्कुल भी आपका काम नहीं होता, और कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं ना कि आप बहुत सारा प्लान करते हो और उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा रेडी कर लेते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे ना तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में, टिल देन।